कैसे हैं आप? मैं सीमा मेहता, अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मुझे कमेंट्स आए थे, मैम फ्री पल्लू का इजी तरीका बताइए, तो मैं आज आपको फ्री पल्लू का बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ, जो 10 मिनट में साड़ी रेडी हो जाएगी। आप साड़ी का लुक देख सकते हैं फ्रेंड, गर्ल्स बहुत अच्छे से कैरी कर सकती है। लाइट वेट साड़ी है, थोड़ा सा सिल्क में है, ट्रेंडी साड़ी है फ्रेंड, डबल कलर में है, बहुत प्यारी लगती है। आप देखिए बहुत ही सिंपल सा लुक है, और मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था फ्रेंड, तो आप भी इस तरह का ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा सकते हो। ठीक है, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ किसी कंपनी का, बट काफी लाइट वेट और अच्छी साड़ी है, प्रीटी साड़ी है, डबल कलर में बहुत प्यारी लगती है। आप छोटे फंक्शन में इसको कैरी कर सकते हैं, तो आपको ये लुक अगर सीखना है तो जल्दी से मेरे साथ आइए और 10 मिनट में बहुत अच्छे से साड़ी पहनना सीखिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको फ्री पल्लू ट्रेंडी साड़ी प्रिंट। देखिए बहुत ही सिंपल साड़ी है, इसको आप कहीं भी पहन कर जा सकते हैं, ऑफिस के लिए भी काफी कंफर्टेबल साड़ी है फ्रेंड। तो इस तरह का बहुत हल्का सा सिल्क में है और हल्का सा पफी है, कॉटन है, तो इस तरह का साड़ी अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ी सी पतली महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं, तो अगर थोड़ी सी कॉटन साड़ी पहनेंगे फ्रेंड, तो आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अच्छे से सबसे पहले आप साड़ी को दबा लीजिए। गर्ल्स के कमेंट्स मुझे बहुत आते हैं कि मैम लो वेस्ट साड़ी पहनने के बाद हमारा साइड लुक नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपको लो वेस्ट साड़ी ही बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में आप पहन लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, यहाँ से आपका लेफ्ट हाथ है, वहां से आपका पूरा पल्लू लेंगे राइट हाथ की ओर, उसके बाद आपको जितना लंबा पल्लू चाहिए, ठीक है, जितना भी लंबा पल्लू चाहिए आपको उतना आप ले लीजिए। फ्री पल्लू में फ्रेंड ज्यादा पल्लू नहीं लेना है आपको। ठीक है, अभी गर्ल्स बहुत साड़ी पहनने का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो आप इस तरह से फ्री पल्लू साड़ी पहनिए, इसमें आप हैवी साड़ी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप छोटे फंक्शन में या मार्केट जा रहे हो, ठीक है, और आपको थोड़ा सा अपना लुक कैरी करना है, तो आप इस तरह से फ्री पल्लू पहनते हैं। अभी मुझे फ्री पल्लू का कॉमेंट्स आया था कि मैम प्लीज थोड़ा फ्री पल्लू बताइए, तो बहुत आसानी से हम पहन सकें। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमेशा जो फर्स्ट प्लेट है ना, यही कमेंट ज्यादा आता है कि हमारा फर्स्ट प्लेट बड़ा छोटा हो जाता है, तो फर्स्ट प्लेट हमेशा आपको बड़ा लेना है फ्रेंड। मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ, आप शायद ध्यान नहीं देते हो कि फर्स्ट जो प्लेट है वो आपको बड़ा लेना है, नीचे तक देखना है कि आपका जो प्लेट है ना एकदम क्लियर बन रहा है। ठीक है, उतना बड़ा लेना है जितना आपका प्लेट क्लियर बन जाए, उसके बाद आपको छोटे छोटे ठीक है लास्ट में जो आपका हिस्सा बचता है, देखो हाफ साड़ी वाला, ठीक है, मैंने ये टू कलर में पहनी है, हाफ साड़ी ब्लैक है, हाफ येलो है। आपको कुछ नहीं करना, जितना आपको आपने पल्लू लिया है, आपको यहां से अगर आपको थोड़ा सा अपना लो वेस्ट साड़ी दिखाना है, तो आप इस तरह से इस एरिया से आपकी कमर एरिया से यहां तक आप दबा लेंगे साड़ी को। ठीक है, आपको पिन लगाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, और बस आपको अपनी प्लेट्स डालना है। प्लेट्स आप बिल्कुल सही डालिएगा, एकदम आपकी नाभि के सेंटर में डालना है आपको, तो साड़ी का लुक काफी अच्छा आता है। बहुत से लोगों की प्लेट्स देखती हूँ मैं, इधर उधर भागती है फ्रेंड, चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, लुक से मतलब नहीं होता, बट चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, पैर फंसते हैं एक दूसरे में। और ये देखिए बहुत ही इजी साड़ी, 5 मिनट में अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो 5 मिनट में ये साड़ी रेडी हो जाती है। आप चाहे तो इसको विदाउट पिन भी पहन सकते हैं, और आप चाहो तो नई गर्ल्स हो तो आपसे बिना पिन के तो संभाल ही नहीं जाएगी, तो आप पिन लगा सकते हो। पिन आपको कैसे लगाना, मैं बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ आज आपको पिन लगाने का। मुझे कमेंट आया था कि मैम आप अंदर से पिन लगाते हो, हमसे नहीं लगता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फर्स्ट प्लेट को छोड़ दीजिए, बाकी की जो और प्लेट्स है नीचे की वो आप प्लेट्स ले लीजिए,
ठीक है, बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है उसको आप अंदर डाल दीजिए और फिर ऊपर से लगा दीजिए अपना पेटीकोट उठाकर। ये देखिए बहुत ही इजी है, और अपनी प्लेट्स को उसके ऊपर डाल दीजिए। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने पिन लगा रखा है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ फ्री पल्लू। फ्री पल्लू में आप चाहे तो इस तरह से सिंपल फ्री पल्लू भी डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छे से थोड़ा साड़ी कैरी करते हैं या कर चुके हैं साड़ी कैरी, तो आप इस तरह से पिन आपको कहाँ लगाना है, पिन आपको लगाना है शोल्डर के बैक साइड में। ठीक है, आगे की साइड में लगाएंगे तो आपकी साड़ी का लुक अच्छा नहीं आएगा, ये बहुत अजीब लगता है। तो आप कहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे की साइड में, ये मैंने पीछे की साइड में लगा दिया है। थोड़ा सा आप इस साड़ी को सेल्फ मार दीजिए हाथ पे रखने के लिए, क्योंकि जब फ्री पल्लू पहनते हैं फ्रेंड तो उसका लुक में होना बहुत जरूरी होता है। जब तक फ्री पल्लू यहाँ से फ्लैट नहीं लगती है, लुक में नहीं आती है, तो साड़ी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, अब मुझे कुछ कमेंट्स आए थे तो मैं उनको प्लस करके बता रही हूँ आपको। ओके, तो आप यहाँ पर जैसे अगर आपकी साड़ी थोड़ी सी हैवी है तो आप यहाँ पर आपको जैसे प्रॉब्लम होती है कि नहीं मैम हमारी साड़ी नहीं संभलती, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स बना लेंगे। फिर बहुत छोटी छोटी प्लेट्स बना लेंगे आप एकदम। ये साड़ी क्या आपको फिटिंग भी बहुत अच्छे से आ जाएगी और लुक भी गर्ल्स लुक बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, इस तरह से पिन लगा लेना है आपको यहाँ। ठीक है, और आप कंप्लीट साड़ी का लुक देख सकते हैं फ्रेंड। गर्ल्स बहुत आराम से पहन सकती है, यहाँ पर आपको हाथ फ्री हो गए आपके। ओके, और ये देखिए आप चाहें तो मैरिड लेडीज भी पहन सकते हैं। थोड़ा सा पल्लू आप बड़ा ले लेंगे अगर आपको सर पे डालना है या आपको शोल्डर पर डालना है, तो इस तरह से आप शोल्डर पर डालिए। सर पे भी डाल सकते हैं फ्रेंड फ्री पल्लू को, इस तरह से आप पिन लगा लीजिए तो सर पे भी बहुत अच्छी लगती है। तो बताइए आज आपको साड़ी का लुक कैसा लगा फ्रेंड। ट्रेंडी साड़ी है, अभी चल रही है, बहुत लाइट वेट है और थोड़ा सिल्क में है, तो आप इसको छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में भी पहन सकते हैं।